हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये आपका प्यारा सा चैनल जहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ों को गेन करने की कोशिश करोगे और बहुत सारे क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से पूरा करने की कोशिश करोगे। तो बच्चा अभी अपने पास क्रैश कोर्स की बिल्कुल सीरीज चल रही है। जिसने भी अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चा इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना बहुत अच्छे से। अपन इसके अंदर पूरा सिलेबस कवरअप कराएंगे, जो भी 2022 के चैप्टर्स हैं उन सबको कवरअप कराने की पूरी कोशिश है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इंटीग्रेशन का, जहां पर अपन फॉर्म डिस्कस करेंगे पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन अंडरवुड में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स की फॉर्मेट किस तरीके से करनी है, और बोर्ड्स के एग्जाम में इस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, और ये आपका प्यारा सा चैनल जहां पर सब चीज़ें आप डिस्कस करोगे। किसी को कोई दिक्कत हो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो और उसको अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी सम स्पेशल इंटीग्रल्स की सीरीज चल रही है, जहां पर आज अपन लैम्डा और म्यू के फॉर्मेट में पी एक्स प्लस क्यू लीनियर और क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना एक ही थॉट के साथ अपन क्लास को हमेशा स्टार्ट करते हैं, आई कैन एंड आई विल, मैं और मैं कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ जो सब बच्चे कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी फर्स्ट रैंक ला सकता हूँ, मैं भी 40 out of 40 स्कोर कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, बस आपको करने की देर है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया है, हम मैनिपुलेशंस पर आ गए इंटीग्रेशन के, तीन पार्ट्स अपन ने टोटल डिस्कस कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों। गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द 6 लेक्चर्स इन अ प्रॉपर वे, डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है आप लोग सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इंटीग्रेशन के अंदर बूस्टअप करवाना मेरा काम है, आप लोग सिर्फ इन फॉर्मेट को अच्छे से करते चले जाओ। टिल देन सब्स्टिट्यूशंस वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बाय पार्ट्स अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ही क्लास में स्टार्ट कर देंगे, फिर देन पार्शियल फ्रैक्शन, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। तो आज की हमारी इंटीग्रल की फॉर्मेट है बेटा पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन में कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का कितना सी। तो बच्चा इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो कैसे करते हैं। अगर ऊपर आपके पास ये इस तरीके से भी आ सकता है, ऊपर आपका लीनियर हो और नीचे आपकी क्वाड्रेटिक हो तब क्या करते हैं, या फिर और ऊपर ये आपका लीनियर और यहाँ पर साथ में आपका क्वाड्रेटिक आ जाए तब भी आपको यही काम करना है। ध्यान रखना लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, सेम फंडा आपको अप्लाई करना है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले बेटा लेट कर लो कि जो भी आपके पास पी एक्स प्लस का क्यू फॉर्मेट है इसके अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्म बनाओ पी एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई भी स्केलर टाइम्स नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का कितना सी प्लस का म्यू टाइम्स में कॉन्स्टेंट, म्यू आपका केलर है। अब बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा टू ए एक्स प्लस का कितना बी होगा प्लस का कितना होगा म्यू होगा, और यहाँ पर आपकी फॉर्मेट पी एक्स प्लस का कितना चलेगी क्यू। अब बेटा एक्स का कोफिशेंट इधर भी है और एक्स का कोफिशेंट इधर भी है, दोनों तरफ से कांस्टेंट और एक्स की कोफिशेंट को इक्वेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जैसे एक्स का कोफिशेंट इक्वेट किया टू ए लेमडा इक्वल टू कितना बेटा पी, तो लेमडा की वैल्यू आप निकाल दोगे पी बाय कितना टू ए करके। सिमिलरली लेमडा बी प्लस का कितना है बच्चा आपके पास म्यू, इसको आप किसके बराबर कर दिया क्यू के, लेमडा की वैल्यू यहाँ प्लेस करके क्यू की वैल्यू निकाल दोगे, फिर आपका वो पुराना पैटर्न क्वेश्चन बन जाएगा। एक फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी लेमडा वाली, लेमडा के नीचे जो टर्म आएगी इसके अंदर नीचे वाले को टी पुट करो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, और म्यू के साथ आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा लग जाएगा। एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छे से बूस्टअप करेंगे, डेफिनेटली पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो फॉर्मेट क्या है, ऊपर आपका लीनियर है नीचे आपका क्वाड्रेटिक है, भले रूट हो भले रूट ना हो आपको काम वैसा का वैसा करना है। साथ ही साथ बता दूं रूट हो चाहे नहीं हो फंडा आपका बिल्कुल क्लियर उसी फॉर्मेट में चलेगा जो चलता हुआ है, लीनियर अपॉन में कितना आ जाए क्वाड्रेटिक आ जाए तब भी आप वही काम करोगे जो विदाउट रूट और रूट वाले के साथ करोगे, समझ गए बात को। चलो लेट सी द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले बेटा ऊपर वाले को उठाया, ऊपर वाला इक्वल टू लैम्डा टाइम्स में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस का वन आएगा, प्लस का क्या लगा दोगे बच्चा म्यू, तो टू लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया वन, लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर देना बेटा कितना वन बाई टू। फिर सिमिलरली लैम्डा प्लस का म्यू कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इधर कॉन्स्टेंट तो कुछ है ही नहीं, जीरो प्लस का एक्स है तो जीरो, तो म्यू आपका कितना आ जाएगा माइनस का लैम्डा यानी माइनस का कितना वन बाई टू। इज इट क्लियर, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दी माइनस का वन बाई टू। नाउ प्लेस कर दो बेटा इसको यहाँ पर दोनों तरफ से, लैम्डा की जगह प्लेस करो बेटा वन बाई टू, एक्स की जगह रख रहा हूँ
यानी x इक्वल टू अब आपका बन जाएगा 1 बाई टू, फॉर्मेशन कितनी बचा है 2x प्लस का 1 और माइनस का कितना 1 बाई टू, तो 1 बाई टू यहाँ आ गया आपका 2x प्लस का 1, यहाँ आ गया माइनस का कितना 1 बाई टू, और टोटल अपॉन ये आपके पास आ गया कितना एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बेटा कितना एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना 1 और ये कितना डी एक्स। अब बेटा सेपरेट करो ये 1 बाई टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले 2x प्लस का 1 अपॉन ये वाली टर्म अरेंज करी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और ये कितना डी एक्स, फिर माइनस का 1 बाई टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में बच्चा कितना एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना 1 और ये कितना आपका डी एक्स, ये कितना आपका डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले वाले इंटीग्रल में नीचे वाले को टी पुट कर दो, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी बच्चा 2x प्लस का 1 इंटू कितना डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो बस आपके पास क्या बन गया 1 बाई टू इंटीग्रेशन, 1 बाई टू इंटीग्रेशन क्या कर दे, ऊपर वाले को लिख दिया dt और नीचे वाले को लिख दिया कितना t। अभी इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा रुकना। 1 बाई टू ये आपका 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, t की जगह फिर से प्लेस कर दो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना। अब इसकी बारी है, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 बाई टू इंटीग्रेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना एक्स प्लस का, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका आधे का होल स्क्वायर ऐड किया और आधे का होल स्क्वायर क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस का कितना 1 कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वाले वीडियो में किए हैं, किसी को इसका और ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन चाहिए इस पैटर्न वाले क्वेश्चन की तो डेफिनेटली गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द वीडियो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है उसको अच्छे से करना। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में बच्चा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये x प्लस के 1 बाई टू का कितना होल स्क्वायर, माइनस का कितना बेटा ये 1 बाई फोर और प्लस का कितना 1, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 3 तो 3 बाई फोर कितना आ जाएगा बच्चा ये 3 बाई फोर, 3 बाई फोर को होल स्क्वायर में लिखोगे तो रूट 3 अपॉन 2 का क्या कर देंगे बच्चा होल स्क्वायर। इज इट ओके, क्या ये सब बातें समझ आ रही है, यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया है इस वाले को, माइनस का 1 बाई फोर प्लस का 1 तो 4 एल सी एम 4 माइनस का 1 3 3 बाई फोर आएगा बेटा उसको रूट 3 बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया और ये कितना डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ कर रहा हूँ साइड में ध्यान से देखना। इस वाले को तो एज इट इज लिखो 1 बाई टू में लॉक एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का कितना 1, इसके लिए करेंगे बेटा माइनस का कितना 1 बाई टू 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन कितना रूट 3 बाई टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस का कितना 1 बाई टू अपॉन में कितना रूट 3 बाय कितना 2 प्लस का कांस्टेंट कितना सी। दोबारा एक 1 बाई टू इंटीग्रेशन लॉक एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 1 माइनस का कितना 1 बाय कितना रूट 3 टैन इनवर्स बेटा एलसीएम ले लो 2x प्लस का 1 अपॉन में सिर्फ रूट 3 बचेगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद प्लस का सी, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, सिर्फ आपको ये ही करना है, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वांटिटी को सीधा अप्लाई कर दो, डेफिनेटली यू आपका आंसर आ जाएगा। इज इट, चलो लेट्स सी एक और क्वेश्चन करते हैं ध्यान से, 4x प्लस का 1 वाला क्वेश्चन, सिंपल वही सेम बेटा, क्या 4x प्लस का 1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का कितना नीचे वाला कौन है ये एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 3 प्लस का कितना म्यू, x का कोफिशेंट ये है यहाँ 4, x का कोफिशेंट यहाँ है 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू 4 बाय कितना 2 तो कितना आ गया लेमडा 2 आ गया। सिमिलरली कांस्टेंट लेमडा इंटू 3 3 लेमडा प्लस का कितना म्यू इक्वल टू यहाँ कितना है बेटा 1 तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस का 3 लेमडा और 1 माइनस का 3 2 जा कितना 6 तो कितना आ गया माइनस का 5। क्लियर है, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालना तो सबको बहुत अच्छे से आ गया ना, 3 इंटू लेमडा प्लस का कितना म्यू इक्वल टू कितना 1 तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस का 3 लेमडा 1 माइनस का 3 इंटू लेमडा की वैल्यू 2 3 2 जा 6 माइनस का 5। अब यहाँ पर कर दोगे बेटा आप कितना 4x प्लस का 1 इक्वल टू लेमडा की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स में 2x प्लस का कितना 3 और म्यू मतलब माइनस का 5। अब 4x प्लस 1 की जगह ये प्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन 2 इंटू कितना कर दिया बेटा 2x प्लस का 3 माइनस का कितना 5 और टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2 और ये कितना डी एक्स, 2 कॉमन कर दूँ यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2 और ये कितना डी एक्स, माइनस का कितना बच्चा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का कितना 2 और यहाँ कितना डी एक्स। इज इट क्लियर,
अब ये पुराना वाला क्वेश्चन बन चुका है, अब आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। नीचे वाले को टी पुट कर दो, ऊपर वाली टर्म है इसका तो याद ही हो जाएगा कुछ समय में। आपने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 को क्या पुट कर दिया, टी, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3, और यहाँ कितना डी एक्स इक्वल टू कितना लिख दोगे, डी टी, तो 2x प्लस का 3 डी एक्स की जगह लिख दोगे डी टी, तो इंटीग्रेशन 2 ये हो जाएगा डी टी अपॉन में कितना टी, माइनस का कितना 5, इसको कंप्यूटिंग में स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 3 है, बस क्या करना है 3 का आधे का होल स्क्वायर ऐड किया, और आधे का होल स्क्वायर क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस का कितना 2 कर दिया, और ये dx लिख दिया। यस ऑन यस, तो ये 2 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना log t, माइनस का कितना 5 इंटीग्रेशन, ये यहाँ से यहाँ तक का x प्लस के कितना 3 बाय 2 का कितना होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बेटा माइनस का कितना 9 बाय 4 प्लस का कितना 2, 4 2 जा 8, 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का आएगा 1 बाय 4, 1 बाय 4 को आप पहले की तरह लिख दोगे 1 अपॉन 2 लॉग टी, टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना 2, माइनस का कितना बेटा 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये आपका कितना x प्लस के 3 बाय 2 का कितना होल स्क्वायर 8, माइनस का 1 बाय 2, तो माइनस का 1 बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, देखो 9 बाय 4 है, एलसीएम लूंगा 4 2 जा 8, 9 माइनस का 8 1, 1 बाय कितना 4, तो 1 बाय 2, और dx 2 टाइम्स में कितना log, ये आपका हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना 2 माइनस का 5, 1 अपॉन में कितना 2a, 1 अपॉन में कितना 2a log x माइनस का a, यानी x प्लस का कितना 3 बाय 2 माइनस का 1 बाय 2 अपॉन x प्लस का a, x प्लस का 3 बाय 2 प्लस का कितना 1 बाय 2 प्लस का कांस्टेंट कितना c, डू इट हियर, यहाँ कर रहा हूँ ध्यान से देखना, या इसको इरेज कर दूँ, चलो इसको इरेज करता हूँ, टिक 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 टिक, नोट कर लिया है सब लोगों ने, आई होप सो कर लिया है कि नहीं, चलो आई थिंक सो कर लिया, इज इट विजिबल ना बच्चा, हाँ बेटा इस 2 से ये 2 कट कर देना, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 2, इसको तो एज इट इज लिख दो 2 log एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 3x प्लस का 2 माइनस का 5, माइनस का 5 log के साथ एलसीएम ले लो बच्चा इसका, देखो ध्यान से 2x 3 माइनस का 1 2, तो 2x प्लस का कितना हो गया 2 अपॉन में, इसका लोगे 2x प्लस का कितना 4, तो 2x प्लस का कितना आ गया 4 प्लस का कांस्टेंट कितना सी, दैट्स मच इज द आंसर, इज इट क्लियर, हो जाएगा डन, चलो मज़ा आया कि नहीं, जल्दी से मज़ा आया तो जल्दी कमेंट करके बताना, बिल्कुल इंटरेस्ट से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पॉज कर दो वीडियो को, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, शक्ल गंदी है, क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल आसान सा है, देखो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना है इसको, सबसे पहले साइन टू अल्फा यहाँ पर दिख रहा है, भयानक सा, पहले तो फाई जो होता है यही एक भयानक सा वर्ड है, उसके बाद थीटा हो जाता है तो मेरे को थोड़ी शक्ल अच्छी लगती है, पर ये फाई फाई का क्या करें, देखो बच्चों सबसे पहली बात, क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ मैं ऊपर से, इंटीग्रेशन ये 2 है, इस साइन 2 अल्फा को लिख दिया बेटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब 2 साइन 5 कॉस 5, अल्फा की आदत पड़ रही है या थीटा की आदत पड़ती है तो यही होता है, अरे 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 ये यहाँ पर फाई है बेटा, करेक्शन कर लेना, डी फाई कितना, टोटल अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया बच्चा 1 माइनस का साइन स्क्वायर, 1 माइनस का साइन स्क्वायर और ये माइनस का 4 साइन 5, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या रह गया, अब आपके पास इंटीग्रेशन, कॉस 5 कॉमन ले लूँ क्या, मैं इसमें से कॉस 5 कॉमन ले लूँ, हाँ तो आपने कॉस 5 कॉमन ले लिया इन दोनों का, तो 4 और यहाँ कितना बेटा साइन 5, 4 साइन 5 माइनस का क्या रह जाएगा 1 और ये कितना डी 5 और टोटल अपॉन 6 माइनस का 1 5 माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस का कितना 4 साइन और ये कितना 5, अब बेटा क्या करें, यहाँ से देखो ध्यान से इस साइन 5 को टी पुट कर देते तो कितना आएगा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड कॉस 5 डी 5 इक्वल टू कितना आ गया डी टी, इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा कॉस 5 और डी 5 डी टी में चला गया, ऊपर बच गया 4 टी माइनस का 1 और सिंपल डी टी और ये अपॉन में 5 प्लस का कितना टी स्क्वायर माइनस का कितना 4 टी
माइनस का कितना 40, इज इट ओके। अब ये पुरानी वाली फॉर्मेट बन चुकी है, पी एक्स प्लस का क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो बच्चा वापस से वही काम, टी स्क्वायर रहने दो, पहले अपन ऊपर वाले को सीधी फॉर्म लगा देते हैं, काम बन जाएगा। इसको अरेंज कर लो बेटा थोड़ा सा ऐसे, 40 माइनस का 1 और ये कितना डी टी अपॉन में कितना बच्चा टी स्क्वायर माइनस का कितना 40 प्लस का कितना 5। अब आप पी एक्स प्लस क्यू वाला लगाओगे, 40 माइनस का 1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स में नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस का 4 प्लस का कितना बच्चा म्यू। कंपेयर करो, यहाँ का 4, ये कितना 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2, यहाँ का कितना माइनस का 1, कॉन्स्टेंट का कोफिशियंट कंपेयर कर रहे हैं, माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का कितना 4 लेमडा प्लस का कितना म्यू। तो बेटा लेमडा की जगह 2 डाल दो, 4 2 जा कितना 8, माइनस का 8 प्लस का कितना म्यू। तो म्यू की वैल्यू 8 माइनस का 1 कितनी आ जाएगी 7, तो म्यू आपके पास कितना आ गया 7, लेमडा आपके पास कितना आ गया 2। ओके, अब क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, 40 माइनस का 1 इक्वल्स टू लेमडा मतलब 2, 2 टाइम्स में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन था ये, और म्यू कितना है आपका 7। बस अब आपको इसको प्लेस करना है, यू गॉट द आंसर। इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइम्स 2t माइनस का कितना 4, 2t माइनस का कितना 4 प्लस का कितना 7 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस का बच्चा कितना 5 और ये कितना dt। सेपरेट बोथ ऑफ द टर्म्स, 2t माइनस का 4 अलग अपॉन टी स्क्वायर माइनस का कितना 40 प्लस का 5 और ये कितना dt। सिमिलरली प्लस का कितना 7, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का कितना 40 प्लस का 5 और ये कितना dt। इज इट ओके। नीचे वाले को टी पुट कर लो बच्चा, ऊपर वाली टर्म दिखाई देगी। आई होप सो इस फॉर्मेट में अब तो यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तुम लोगों को, आया है ना बच्चा, चलो बहुत बढ़िया, आ जाना चाहिए ये डी यू, रखो इसके अंदर। तो टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाले की जगह लिख दोगे डी यू और नीचे की जगह लिख दोगे यू। वो आदत पहन की भी वही आदत होगी। यू प्लस का बच्चा कितना 7, नीचे वाले का होल स्क्वायर बनाओ, तो टी स्क्वायर माइनस का कितना 40, टी का कोफिशियंट कौन है 4, इसका आधा कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का कितना 5 और ये कितना डी टी। तो बच्चा ये 2 और ये 1 अपॉन यू लॉग यू 7, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये टी माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, टी माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर और ये प्लस का कितना 1 और ये कितना डी टी। 2 लॉग यू की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, टी स्क्वायर माइनस का 40, टी स्क्वायर माइनस का 40 प्लस का कितना 5, प्लस का कितना बच्चा 7, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में कितना ए, प्लस का कांस्टेंट कितना सी। इज इट ओके। बस अब टी की वैल्यू प्लेस करनी है, जो कि आपके पास कितनी है साइन फाई है, ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आई होप सो ऊपर का सब लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, है ना, ऊपर का पूरा इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, कॉपी डाउन तो किया था ना बच्चा, पॉज करके कॉपी डाउन कर लेना, है ना। चलो टी की जगह मैं क्या पुट कर दूं बच्चा, अब साइन फाइव, पूरे आंसर आपका यहाँ लिख रहा हूँ, 2 लॉग ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में कितना 5 माइनस का 4 साइन 5 प्लस का कितना 5 प्लस का कितना 7 और यहाँ कितना टैन इनवर्स साइन 5 माइनस का कितना 2 प्लस का कॉन्स्टेंट कितना सी। दैट्स मच इज द आंसर, सो इजी और नॉट, जल्दी बताओ फटाफट, हाँ सर आया कि नहीं, आना इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, मोटिवेशन जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा लग रहा है और कैसा है, और आंसर्स के जो होमवर्क दूँ उनको करा करो ताकि चीज़ अच्छी हो जाए। अब ये देखो इसका क्या करें, क्वेश्चन देखो कैसा, e की पावर 2x है, अब ऊपर कुछ भी नहीं है पर इसका इंटीग्रेशन वो भी पॉसिबल नहीं है, जल्दी सोचो, टिक टिक 1 2 3 4 5 आ रहा है, जल्दी जल्दी देख लो आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने कुछ दिन पहले इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन कराया था, इसको बेटा आप क्या करो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2, इसको नीचे भेज दो, e की पावर माइनस 2x को आपने नीचे भेज दिया, e की पावर माइनस 2x को आपने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। अब क्या करें, सिंपल सोचो, प्लस का 3, इसको भी e की पावर माइनस x करके नीचे भेज दो, प्लस का कितना 1,
और ये कितना डी एक्स, इस पूरे का e की पावर माइनस टू एक्स एलसीएम ऊपर भेज दिया, और ये कितना डी एक्स अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगा ध्यान से सोचो, यहाँ क्या आ जाएगा टू प्लस का थ्री ई की पावर माइनस का एक्स प्लस ई की पावर माइनस का कितना टू एक्स। टेक अ सिंपल एलसीएम, जो डिनोमिनेटर में ई की पावर माइनस टू एक्स आएगा उसको पलटी खा के ऊपर भेज दिया, इसके नीचे आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस का टू एक्स वही तो ऊपर गया है, उसको मैंने नीचे ना लिख करके सीधा ऊपर लिख दिया ताकि एक स्टेप बच जाएगी आपकी, हाँ या ना। अब क्या करें, ध्यान से देखो, इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। e की पावर माइनस एक्स को t पुट कर दें, चलो करते हैं। e की पावर माइनस एक्स को आपने क्या पुट किया बच्चा, t, तो e की पावर माइनस का x माइनस का कितना डी एक्स इक्वल टू कितना dt। एक तो खत्म हो गया, पर एक e की पावर माइनस एक्स तो बच गया ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स dx की जगह तो आप लिख दोगे कितना, इंटीग्रेशन माइनस के साथ टी और डी टी, एक बच जाएगा तो टी और डी टी अपॉन नीचे, इसकी जगह लिखा आपने टी स्क्वायर प्लस का कितना थ्री टी प्लस का कितना टू। क्या ये मेरी पुरानी वाली फॉर्मेट बन चुकी है वापस से? यस बच्चों बन चुकी है, वही टी इक्वल टू लेमडा टाइम्स में नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस का कितना म्यू टू लेमडा इक्वल टू वन, तो लेमडा की वैल्यू वन बाई टू, यहाँ पर थ्री लेमडा प्लस का म्यू इक्वल टू कितना जीरो, तो म्यू की वैल्यू माइनस का थ्री लेमडा, लेमडा की वैल्यू वन बाई टू, तो म्यू आपका माइनस वन बाई टू, ये आपका वन बाई टू, बस डाल दो माइनस के साथ इंटीग्रेशन इसी को कंटिन्यू कर रहे, टी की जगह बेटा वन बाई टू टू टी, अरे रे 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 टू टी टू टी टू टी नल की टू टी नल की नहीं 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 टू टी बस टू टी फ्रूटी बच्चा, माइनस का कितना थ्री बाई टू अपॉन में कितना टी स्क्वायर प्लस का थ्री टी प्लस का कितना टू और ये डी टी, इसको कर दो माइनस का वन बाई टू इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा बच्चा टू टी प्लस का कितना थ्री और ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस का कितना थ्री टी प्लस का कितना टू और ये डी टी, माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस का कितना थ्री टी प्लस का कितना टू और ये कितना डी टी, इज इट ओके। बस वही नीचे वाले को टी पुट कर दो वापस से, इस बार यू पुट कर दो वापस से, तो टू टी प्लस का थ्री डी टी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा डी यू माइनस का वन बाई टू इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू प्लस का कितना थ्री बाई टू, इसको कंप्यूटिंग में स्क्वायर बना दो। इस फॉर्मेट में आपको सिंपल एक तो आपका लॉग में आ जाएगा, दूसरा कंप्यूटिंग में स्क्वायर से आ जाएगा, जिसको कंप्यूटिंग में स्क्वायर वाले क्वेश्चन की मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन की डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर चाहिए हो, गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ ट्रिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पूरी ट्रिक्स मिलेगी एक एक क्वेश्चन की, इसकी भी बहुत प्यारी सी ट्रिक है, डेफिनेटली जेई में क्रैक करने में आपको मजा आएगा, ठीक है कर देना। टी स्क्वायर प्लस का कितना थ्री टी प्लस टी का कोएफिशिएंट कौन है थ्री, इसका आधा कौन थ्री बाय टू, थ्री बाय टू का होल स्क्वायर ऐड किया, थ्री बाय टू का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, प्लस का कितना टू और ये कितना डी टी बेटा, माइनस का वन बाय टू वन अपॉन यू का कितना लॉग यू, प्लस का थ्री बाय टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में, इसको पूरे को टी प्लस थ्री बाय टू का कितना कर दिया होल स्क्वायर, माइनस का ये आएगा बेटा माइनस का नाइन बाय फोर प्लस का कितना टू, अगेन फोर टू जाए माइनस का वन बाई टू का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, माइनस का नाइन बाय फोर प्लस का कितना टू, फोर टू जाए कितना एट, माइनस का वन बाय फोर वन बाय टू और ये कितना डी टी, माइनस का वन बाय टू लॉग यू 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 यू, चलो यू को बाद में रखेंगे बहुत जगह घेरता है ये यू, थ्री बाय टू इतना बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए वन अपॉन टू और ये ए लॉग एक्स माइनस है एक्स माइनस का ए और एक्स सी डी बच गई प्लस का कितना ए, सी डी गड़बड़ हो गई सी डी बच गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, नहीं 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 इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं बचा है क्योंकि लैम्डा और म्यू में काम आया था वो आप निकाल चुके हो, बस 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 इतने में मेरा आंसर आ जाएगा, बस मैं लिख दूँगा, देखो बेटा आंसर कितना कितना कितना, माइनस का वन बाय टू लॉग यू, तो माइनस का वन बाय टू लॉग यू की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस का कितना बच्चा थ्री टी प्लस का कितना टू, इस टू से इसको टू को भिड़ा दिया मतलब काट दिया लॉग, एलसीएम ले ले बच्चा टू टी प्लस का टू, अगेन टू टी प्लस का कितना टू, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो टू टी एलसीएम थ्री माइनस का वन टू, टू टी प्लस का फोर और ये कितना टू टी प्लस का कितना फोर, प्लस का कितना सी डिनोमिनेटर के टू दोनों कैंसिल,
बेटा टी की वैल्यू प्लेस कर दो, टी की वैल्यू कितनी थी, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस का 2x, 3 ई की पावर माइनस का एक्स प्लस का 2, प्लस का कितना 3/2 लॉग के साथ, 2 ई की पावर माइनस का एक्स प्लस का कितना 2, 2 ई की पावर माइनस का एक्स प्लस का कितना 4 प्लस का 6। क्या वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, डेफिनेटली बताना ज़रूर बच्चे कैसे लग रहे हैं कि वीडियो में मज़ा आ रहा नहीं हमारा, क्वेश्चन की प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही। सारे पैटर्न क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आज की प्रोफाइल के भी, सारे अलग अलग सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डेफिनेटली कंसिडर करने की कोशिश करिए। ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया है CBSE बोर्ड में, 1 बार JEE मेंस में, ये वाला भी आपका क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया है अलग अलग तरीके से। एक बार थीटा दे दिया, एक बार सिर्फ साइन थीटा दे दिया, कॉस थीटा दे दिया, और ऐसे काम करवाने की कोशिश करी गई है। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी की क्लास में क्या करें, डिस्कस करें। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से बखूबी निभाओगे नहीं निभाओगे। सिंपल टास्क DYO क्वेश्चन, डू योर सेल्फ ओनली, अपने आप करके मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टिल देन एवरीवन शुड स्टे ट्यून, बहुत अच्छे से वीडियोस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, और एक ही फंडा मेरा है जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो बच्चा, आई एम हियर नेवर फियर, कोई भी इशू आ जाता है किसी भी तरीके का डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो और किल कर सकते हो जो भी इश्यूज है आप लोगों के, किसी भी तरीके की क्यूरी है उसको भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, भले ही वो कोई सी भी क्लास का हो। जो इस वीडियो को देख रहा है अगर उसके कोई भी डाउट है किसी भी क्लास के बच्चे का, पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से कर सकें। टिल देन नए वीडियो के साथ नए तरीके से अपन काम करना शुरू करेंगे, नए सीक्वेंस को लेकर के आएंगे इंटीग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में। देन स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छे से। टिल देन बाय बाय एवरीवन।